भारतीय जनता पार्टीचे नांदेड लोकसभा उमेदवार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना नांदेड शहरातील मुस्लिम बहुल भागातून मतदारांचा प्रतिसाद मिळत आहे। प्रताप पाटील चिखलीकर यांची नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक धर्मनिरपेक्ष नेता अशी ओळख आहे। प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नांदेड शहरातील मुस्लिम भागात अनेक जुने सहकारी कट्टर समर्थक आहेत। यांच्याच माध्यमातून प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नांदेड शहरातील हतईपुरा, कुमार टेकरी, मिठ्ठीका शेर, मनियार गल्ली, देगलूर नाका आदी भागातील मतदारांशी प्रत्यक्षात गल्लोगल्ली गाठी भेटी केल्या। या प्रसंगी मुस्लिम बहुल भागातील मुस्लिम युवकांनी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा भव्य सत्कार केला। या प्रसंगी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर म्हणाले, काँग्रेस पक्षाने आजपर्यंत मुस्लिम समाजाला भीती घालून मतदान घेतले, परंतु हा समाज आता जागी झाला आहे। मला या भागातून भरघोस मतांनी मतदार लीड देतील असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला। और मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस वाले डराते, ये बात सही है। डराने से अभी कोई डरता नहीं, सब मुस्लिम भाई भी होशियार हो गए हैं। उनको भी अपनी डेवलपमेंट की मालूम है कि यहाँ डेवलपमेंट कौन कर सकता है, अपना भाईचारा कौन रख सकता है, वो सब मुस्लिम भाई समझ सकते हैं। और आप अभी देख रहे होंगे इतनी बड़ी तादाद से मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि नांदेड़ और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी मुस्लिम भाई बीजेपी को और मेरे को निश्चित रूप से देंगे। अभी दूसरा एक मसला ऐसा है कि यहाँ पर जो उर्दू घर बनाया गया है, पिछले कई सालों से बना हुआ है, लेकिन अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और उसके ऊपर खर्चे के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा होता जा रहा है और वो कभी कुछ नहीं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नांदेड़ में उर्दू घर बनाया है। नांदेड़ के उर्दू घर का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों द्वारा होने वाला था, मगर कुछ वहाँ छोटा मोटा काम निकलने की वजह से वो उद्घाटन रुक गया है। ये इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब उसका उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं तो नांदेड़ में जो कुछ पुराने दरगाह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देंगे, इतना मेरे को।